करुणा चांडा का एक पर्चा मर्ज, अब भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच होगा मुकाबला। 65 पार्षद करेंगे मताधिकार का उपयोग। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति चुनाव में आज निर्वाचन विभाग ने गुरुवार को दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की। इस जांच में नीलू दावड़ा, नैनी मैयर और गगनदीप कौर का पर्चा रद्द कर दिया गया और करुणा चांडक का निर्दलीय फॉर्म कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि अब चुनावी मैदान में सिर्फ 2 उम्मीदवार रह गए हैं। उन्होंने बताया कि नीलू दावड़ा, नैनी मैयर और गगनदीप कौर ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन भाजपा का सिंबल नहीं होने की वजह से विभाग ने पर्चा खारिज कर दिया। इसी तरह करुणा चांडक ने 2 फॉर्म दाखिल किए थे, एक कांग्रेस और दूसरा निर्दलीय के तौर पर था। इनमें निर्दलीय वाला फॉर्म कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि चुनावी मैदान में जो 2 उम्मीदवार रह गए हैं, इनमें भाजपा की तरफ से बबीता गौड़ और कांग्रेस की तरफ से करुणा चांडक के बीच मतदान होगा। शहर के 65 वार्ड पार्षद अपने मताधिकार का उपयोग कर सभापति को चुनेंगे। भाजपा और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, उनके खेमे में बहुतम के लायक पार्षद मौजूद है। हालांकि दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या घट बढ़ रही है। गत दिनों कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने दावा किया था कि उनके खेमे में 40 पार्षद हैं, जबकि गत दिवस निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ के आवास पर सहयोग के लिए जाकर आए हैं। आज नगर परिषद चुनाव 2019 के अंदर स्क्रूटनी समाप्त की गई, जिसके अंदर 3 कैंडिडेट जिन्होंने बीजेपी की तरफ से फॉर्म भरा था, उनके पास फॉर्म डी उपस्थित ना होने की वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं। उनका नाम है नीलू छाबड़ा, नैनी मैयर एवं गगनदीप कौर, और बबीता गौड़ का फॉर्म बीजेपी की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है। लाइकवाइज जो करुणा चांडक है, उनके द्वारा 2 फॉर्म भरे गए थे, एक निर्दलीय से और एक कांग्रेस से। कांग्रेस वाला फॉर्म रिजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है और निर्दलीय वाला उसके साथ मर्ज किया जाता है। अब केवल 2 ही कैंडिडेट हैं, बबीता गौड़ एवं करुणा चांडक। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।